हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी TSSC की कुछ भर्तियों के बारे में जो हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं कम्पीट होने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। तो मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी बिना कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कमेंट ये कर रही थी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी इसका पेपर है, लगभग 4 महीने के बाद ही होने वाला है और ये भर्ती रद्द होने वाली, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। पहले मैंने सुबह भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि आपका पेपर है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा और ये कन्फर्म है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि पहले तो आपका पेपर अगस्त के लास्ट में हो जाएगा। अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर आगे बढ़ता है तो फिर आपका पेपर मुख्य सेविका का सितंबर से बाहर नहीं जाने वाला है। और मैं ये आपसे 100% कह रहा हूँ कि आपका पेपर सितंबर के बाहर नहीं जाने वाला है। और सितंबर में भी आपको बता दूँ, ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि वीडियो री एग्जाम होने के बाद ये दोनों पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहो। अगर आप इसी प्रकार से भ्रमित रहोगे कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, कि 4 महीने बाद होगा, 5 महीने बाद होगा, इस प्रकार की चीज़ें देखोगे, ठीक है, वो भर्ती रद्द हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है और एक आपके पास सुनहरा मौका निकल जाएगा। ठीक है, पहले आपको बता दूं, पेपर पूरी उम्मीद है कि आपका अगस्त के लास्ट तक करा लिया जाएगा। लेखपाल की डीबी को लेकर हम बात करते हैं। तो लेखपाल की डीबी को आपको बता दूँ, जैसा कि आपको बताया अभ्यर्थी आयोग गए थे तो वहाँ से पता चला था कि जब तक जो JEE 2018 की भर्ती की रिजल्ट आ जाएगा, उसकी डीबी कराने के बाद ही हम लेखपाल की डीबी कराएंगे। तो उम्मीद रखिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी हो जाएगा और उसकी डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, जितना कि लेखपाल की डीबी में लगेगा। तो आप उम्मीद रखिए कि जो लेखपाल की डीबी है, ठीक है, जहां तक बताया गया कि सितंबर में कंप्लीट करा लेंगे, तो अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर में कंप्लीट कराई जा सकती है। ठीक है, और बीपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, बीपीओ एग्जाम डेट को लेकर। तो आपको बता दूं, ये पैट 2022 से पहला विज्ञापन था, इसके बाद 2 विज्ञापन और आ चुके। तो आपको बता दूं, जैसा कि पैट 2021 की कुछ भर्तियां रुकी पड़ी हैं, इसमें मुख्य सेविका की हो गई, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी, एक IT अनुदेशक की भर्ती होगी, तो इसके पेपर के बाद, ठीक है, आपका पेपर कराया जाएगा। तो लगभग आपको बता दूं, अक्टूबर नवंबर महीने मानकर अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो और वेल, हालांकि चीज़ें पहले भी कन्फर्म कर चुका था, सिलेबस जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो मैंने कहा था कि इसके सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। ठीक है, छोटा बहुत, मतलब जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में टॉपिक को ऐड किया गया, उसी भी इसमें भी, मतलब कहीं UPGK और इस प्रकार से स्पेशल वगैरह रख सकते हैं। आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगी इसकी बता दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया है, पूरी उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक करा ली जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वीडियो री एग्जाम के बाद इसी का पेपर होने वाला है, तो अपनी पढ़ाई करते रहो। यही बात करने वाले हैं AGTA को लेकर, कि जो AGTA को लेकर बच्चे परेशान हैं। तो अभी आपको बता दूं, आपके विज्ञापन में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर विज्ञापन आने वाला है तो जूनियर असिस्टेंट की कहीं ना कहीं नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें 3200 पद होंगे जो पैट 2022 से, और इसी में ज़्यादा संख्या में बच्चे बैठ पाएंगे, क्योंकि BPO में तो पद कम है और इसका बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, सिलेबस भी इसका जारी हो चुका है, तो सभी अभ्यर्थी तैयारी करते रहो। अब जैसे कि जो मुख्य सेविका वाली बहनें थी और जो जूनियर असिस्टेंट वाले, जो 1262 वाले, क्योंकि अभी ये दोनों एग्जाम लगे हुए हैं, तो आपको बता दूं, मुख्य सेविका वाली बहनें और जूनियर असिस्टेंट वाले, तो आपके लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो MCQ जो बेस होगा मुख्य सेविका वाली बहनों, क्योंकि आपको बता दूं, पूरी तरीका से, अच्छी तरीका से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आप यहां पर सारी चीज़ें देख सकते हो, आपको कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पेड बैच में जुड़ते हो, टेलीग्राम पर ये प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी जो फीचर भी देख सकते हो, इसकी फ़ीस हमने 100 रुपये रखी है, क्योंकि कुछ फैकल्टी को उसमें ऐड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसकी वैलिडिटी रहने वाली है वो टेल एग्जाम तक रहने वाली है। डेली हम 100% देंगे, टॉपिक वाइज, मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, और जो संडे को क्या होगा कि हम संडे को 150% करेंगे, मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, अच्छी खासी तरीके से प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अगर आप इच्छुक हो, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करो, उसके बाद ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। उसी के बाद आपको बता दूँ, जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं बच्चे 1262 वाले, तो आपके लिए हम 22 जून से जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जैसे कि हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर आने वाला है और UPGK और GS, उसी के अनुसार तैयारी कराई जाएगी। जो इसकी फीस रखी है हमने 120 रुपये रखी है, क्योंकि आपको पता है हिंदी अलग से, रीजनिंग कंप्यूटर UPGK, तो अच्छा खासा सिलेबस है इसका, तो सभी की अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसके जो बैच फीचर देख सकते हो, वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम तक रहने वाली है। डेली 100 मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको बता दूं, जैसे कि मिक्स क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे कि आपका मॉक टेस्ट की तरह मान सकते हो। डेली सेक्शन वाइज आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी,
एवरी संडे यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर हम प्रत्येक संडे को उसका टेस्ट करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करो, ठीक है। और दोनों जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वो जरूर जुड़िए, क्योंकि इनके पेपर अब जल्द सितंबर तक दोनों पेपर करा लिए जाएंगे, क्योंकि ये पैट 2021 की भर्ती है। इसके बाद आपको पता है पैट 2022 से भी भर्ती आ रही है, ठीक है, उनके पेपर कराए जाएंगे। तो पहले जूनियर असिस्टेंट का पेपर कराया जाएगा, उसके बाद मुख्य सेवका का। तो जूनियर असिस्टेंट का लगभग अभी आपको बता दूँ सिलेबस आपका जारी हो चुका है, तो उम्मीद रखिए आपका पेपर जल्द से जल्द कराया जाएगा। उसी प्रकार से मुख्य सेवका का सितंबर, वैसे तो मैं बता दूं अगस्त के लास्ट तक ही करा लिया जाएगा। और ये आपको बता दूं कंफर्म चीजें, अगर कुछ कार्ड रहते हैं जूनियर असिस्टेंट जुलाई से थोड़ा आगे बढ़ता है, अगर अगस्त में जाता है तो फिर आप मान सकते हो सितंबर में चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि सितंबर के लास्ट में होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड वीक तक मुख्य सेवका का पेपर करा लिया जाएगा, क्योंकि पैट 2021 की भर्ती है और काफी पुरानी हो चुकी है और नई भर्ती भी आने वाली है, ठीक है। तो यही अपडेट देनी थी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो कुछ भी इच्छुक हो, जो अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट वाले चाहे मुख्य सेवका वाले, तो जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी कराई जाएगी, नई नई फैकल्टी को ऐड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीका से कराई जा सके। तो वीडियो को हम रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।